घर की गाड़ी है, पुलिस वाले तो मेरे साले हैं, 2-4 लाख उनके मुंह पे डालूंगा, मेरा क्या करेंगे। कह रही मेरे को 2 महीने हुए हैं घर से आए हुए, मेरे ससुर ने 4 बार मेरे से, वो कहते मेरी पत्नी तो किसी काम की नहीं और दमे की मरीज है। तो गरीब घर की लड़की हमने हड्डी जो गले में बांधी इसलिए तो बांधी, तू मेरे काम तो आएगी। इसका पति कहता है पैसे ले आ, नहीं ले आता तो मेरे दोस्तों के साथ, वो मेरे पैसे देंगे, मेरी जरूरत पूरी करेंगे। एक महिला के साथ पहले तो उसका ससुर शारीरिक संबंध बनाता है, फिर पति उससे 2 लाख रुपए मांगता है। महिला भी क्या करती, कहां से लाती पैसा, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की बेटी है। बस यही वजह रही कि वो उनकी डिमांड पूरी ना कर सकी, जिसकी वजह से उसका पति उससे ये कहता रहा कि अगर वो पैसे लेकर नहीं आएगी तो वो देह व्यापार करे ताकि उसे पैसे मिले। महिला ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसके पति और ससुराल वालों ने पहले तो उसे खूब पीटा और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया। ये सभी आरोप लगाए हैं महिला के परिजनों ने। पिता का आरोप है कि बेटी को कई बार घर लेकर आया, लेकिन हर बार वो माफी मांगकर उसे अपने साथ ले जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसके साथ इतनी मारपीट की कि उसे छत के ऊपर से फेंक दिया। मेरे पास 3 दिन पहले इनकी कॉल आई हुई है, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पापा मारधाड़ हो रही है और इनके मामा मामी सब आए हुए हैं, और मैंने उनके मामा से कहा, मैंने कहा मेरे से बात करो, कह रहे मैं आपसे बाद में करूँगा, मैंने कहा मेरे से 1 मिनट के लिए बात कर लो, जो शोर शराबा जो मार पिटाई हो रही है आप पहले इनको चुप कराओ, उसके बाद आप बात करो, जो भी करो। आप लेकर आए थे ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि मेरी बेटी है, अब कहाँ गई बेटी। अब जब से हम आए हुए हैं रात के धक्के खा के, सिंगू बॉर्डर जाम है, सब बॉर्डर जाम है, उसके बाद हम यहाँ पे कैसे रातों रात पहुँचे हैं। और पुलिस वालों ने इसकी हालत देखी थी कि इसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, नंगी ऊपर फैलते ऊपर से, ठीक है, कोई कपड़ा नहीं था। और उसके बाद ये निशान मेन, इनकी डिमांड जो है 2 लाख से कम नहीं होती, 5 लाख से ऊपर नहीं जाती इनकी, ठीक है। और क्या किया है, मारा पीटा घूसे लात जो भी हाथ में आया, वो हालत तो उसकी शरीर बता रहे हैं, वो तो उसकी बॉडी बता रही है कि भाई उसके साथ क्या हुआ है, पैर सारे सूजे पड़े हैं, हाथ लगाया नहीं जाता, ये मसल उसके सारे मतलब मांस फटा हुआ है, तो ये मांस फटा तो कैसे, कोई मजाक में तो मांस फटा नहीं होगा। क्या डिमांड थी उनकी, इनकी ये डिमांड थी कि 2 लाख ले आ। अच्छा 2 लाख ले आ, 2 लाख लाने के बाद जब इन्होंने मेरे से बात करी, मैं कहा तू घर बैठ जा, इनकी जब तक डिमांड नहीं ख़त्म होगी मैं लड़की नहीं भेजूँगा। फिर ये जो है 5.5 महीने के बाद फिर गई, तो फिर इनके घर के फिर कलेश चले, ये सावन के दिनों की बात है, फिर सावन के दिनों में फिर इन ये लड़की को मैं लेकर आया, फिर इन्होंने कहा जी अब नहीं होगा पापा, अब नहीं होगा, मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आज के बाद फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, वो तो मुझे जो करना हो कर लेना। फिर इनके साथ फिर वही चांस हुआ ये लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन के दौरान ये जब आई है, अब ये 2 महीने हुए हैं इसको, कल मारा पीटी सीढ़ियों से पहले घसीटा है ऊपर से, जब देखा कि नींद घसीट रही है फिर उन्होंने उठा कर फेंका भी है, और फेंकने वाले 3 मेंबर है ही हैं, कन्फर्म है वो तो 3, ठीक है। वही पीड़ित महिला की बुआ ने आरोप लगाते हुए कहा कि लड़की के साथ उसके ससुर ने भी गलत काम किया है, उसके बाद उसका पति उन्हें मारने की धमकी देता था, गला दबाया है, और इसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इसके पति ने छोटी सी कैंची उठा ली, कह रहा आज मैं तेरा पेट फाड़ के मार के बोरी में डाल के नहर में डालूंगा तेरे को, घर की गाड़ी है, पुलिस वाले तो मेरे साले हैं, 2-4 लाख उनके मुंह पे डालूंगा, मेरा क्या करेंगे। इसके बचाने की कोशिश करी, इसकी दोनों बाजुओं पे उसके निशान है कैंची के, कटे हुए हैं दोनों तरफ से, आप देख सकते हैं। और ये कह रही है हमें नहीं पता था इस बात का, इसने हमें आज बताया है, कह रही मेरे को 2 महीने हुए हैं घर से आए हुए, मेरे ससुर ने 4 बार मेरे से सेक्स, वो कहते मेरी पत्नी तो किसी काम की नहीं और दमे की मरीज है। तो गरीब घर की लड़की हमने हड्डी जो गले में बांधी इसलिए तो बांधी, तू मेरे काम तो आएगी। और इसका पति कहता है पैसे ले आ, नहीं ले आता तो मेरे दोस्तों के साथ, मेरे पैसे देंगे, मेरी जरूरत पूरी करेंगे। हाँ जी। कोई पैसों की डिमांड भी किया आपसे? पैसों की डिमांड तो करते हैं, आए दिन मारते इसलिए पैसे ले, अब ये गरीब आदमी बार बार कहाँ से ले जी, वो इन पे बन पाया इन्होंने दिया, अब इनकी औकात नहीं आगे देने की, मैं इसकी बुआ हूँ। और इसको धमकी देते हैं, मेरे पास पिस्टल है, अगर तू अपनी जबान खोलेगी सबसे पहले तेरे बुआ के लड़का विकलांग है, कहाँ से टूंडा है, उसको तो ख़त्म कर दूंगा, फिर उसके दामाद को ख़त्म करूंगा और तेरे बाप को ख़त्म करूंगा। सर मैं समाज सेवी हूँ, पानीपत से हूँ, और चमकते तारे समाज कल्याण समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ।
रात को मैंने जैसे 12 बजे या इनका आई वॉच किया और मैं रात से इनके साथ हूँ, और मैं समझ रहा हूँ एक लड़की जो दहेज के लोभियों ने सूली पे चढ़ा दिया, खूब मारा, इसके 8 एक्सरे हैं, सिर की 8 हड्डियाँ तोड़ चुके हैं और MRI सीटी स्कैन, सिर पूरा डेड, मतलब अपनी तरफ से मार के ऊपर से फिर फेंक दिया गया, जैसा कि मैंने समझने में आया। और मैं काफ़ी, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। आशा चाहूँगा, चौकी चार्ज खुद आए थे मेरे सामने, उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। बता दें कि ये पूरा मामला चांदनी बाग थाने की सेक्टर 11-12 चौकी क्षेत्र की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। देह व्यापार से इनकार करने पर पहले पत्नी को उसके पति ने जमकर पीटा, इसके बाद परिजनों के साथ मिलकर विवाहिता को छत से नीचे फेंक दिया। पड़ोसियों से सूचना मिलने पर परिजनों ने घायल को पहले निजी और फिर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। सेक्टर 11-12 चौकी पुलिस ने पति, सास, ससुर और बुआ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Add colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी, केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, CRT का व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस, कब्ज से छुटकारा पाएं, पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है House No. 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ, गुहाना मोड़, GT रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885।